हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में यहाँ पे वॉइस टाइपिंग करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जब आप वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आता है, नो परमिशन रिक्वायर्ड, ऐसा करके तो इस तरीके से लिखा रहता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको पता चल गया होगा, कीबोर्ड में आपको यहाँ पे नो परमिशन रिक्वायर्ड करके प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लीजिए। आपको यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए और मैनेज एप्लीकेशन में आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से जी बोर्ड लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे जी बोर्ड लिखेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। तो आप लोग यहाँ पे इसको जो है ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज पे जाना है और इसका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा करना है। आपको क्लियर कैच नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा करना है, ताकि दोस्तों ये जो है पूरा सेटिंग रिसेंट हो जाए। तो आप लोग क्लियर ऑल डेटा करिए और यहाँ पे आपको परमिशन में आनी है। परमिशन में आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी परमिशन मांग रहा है सारे के सारे परमिशंस को आप लोग यहाँ पे क्लिक करके अलाउ कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे ये जो माइक्रोफोन का परमिशन है उसको आपको अलाउ करना ही है, तभी आप लोग यहाँ पे वॉइस टाइपिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है जो भी परमिशन मांग रहा है आप लोग यहाँ पे सारे के सारे परमिशंस को अलाउ कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।